हाय एवरीवन, क्वेश्चन 5 देखिए। इसमें हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन है हमारा कोस इनवर्स एक्स बाय 2, और डिवाइड में हमें दिया है अनरूट 2x+7, और एक्स है, एक्स की वैल्यू -2 से 2 के बीच में है। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं जो जो फॉर्मूले और यूज करूँगा वो पहले लिख देता हूँ। देखिए हमारे पास u किस टाइप का, ऊपर और नीचे दोनों टाइप का फंक्शन है। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को लेट कर लेता हूँ, लेट y इक्वल लेट कर लेता हूँ मैं कोश इनवर्स x बाई 2 और डिवाइड बाय अनरूट 2x+7 को। ओके, तो देखिए हमारा ये फंक्शन किस टाइप का है। अगर हमें d अपॉन dx करना हो u डिवाइड बाय v, ओके, u बाय v टाइप का ही फंक्शन है। हमें हमारे पास यहाँ पर u की जगह हमारे पास क्या गिवन है, कोस इनवर्स x बाय 2, और v की जगह हमारे पास है रूट 2x+7। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, इसका डेरिवेटिव होता है नीचे v है तो v का स्क्वायर हो जाता है, और ऊपर फिर v एज इट इज रहता है, हमें डेरिवेटिव करना होता है u का, और माइनस फिर u एज इट इज रहता है, हमें डेरिवेटिव करना होता है v का। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है अगर u डिवाइड बाय v टाइप का फंक्शन हो। ओके, और हमारा कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, मान लिया कोई फंक्शन कोस इनवर्स x है, इसका हमारा डेरिवेटिव होता है -1/√1 − x2। ओके, और हमारा अनरूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए अनरूट x दिया है हमें, इसका डेरिवेटिव होता है 1/√x, और फिर ये तो अनरूट का डेरिवेटिव है, फिर हमें डेरिवेटिव करना होता है d/dx x का। ओके, और x का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx x का डेरिवेटिव 1। ओके, तो देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव करूँगा मैं इस फंक्शन का, ये हम फॉर्मूले यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो d/dx y इक्वल क्या होगा, d/dx कोस इनवर्स x बाई 2, और डिवाइड में हमें क्या दिया है √2x+7। ओके, तो अभी हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए इसका डेरिवेटिव करना है तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे क्या है हमारे पास, नीचे है हमारे पास 2x+7, तो √2x+7 का स्क्वायर। ओके, और फिर नीचे वाला एज इट इज 2x+7 √2x+7 एज इट इज, हमें डेरिवेटिव करना है यहाँ पर कोस इनवर्स x बाय 2 का। ओके, फिर माइनस साइन, फिर कोस इनवर्स x बाय 2 एज इट इज, हमें फिर डेरिवेटिव करना है d/dx √2x+7 का। ओके, तो ये हमने वैल्यू रख दी है। देखिए y का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy/dx इक्वल हमारे पास यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे ये अनरूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास बचेगा 2x+7। ओके, और ऊपर हमारे पास यहाँ पर है 2x+7, तो अनरूट 2x+7 एज इट इज, और कोस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है हमारा -1/√1 − x2। ओके, और यहाँ पर x की जगह क्या है हमारे पास, x बाय 2, तो ये रख देंगे -1/√1 − x2 का स्क्वायर। ओके, ये हमने कोस इनवर्स, इस कोस इनवर्स x बाय 2 का डेरिवेटिव किया है, और फिर हमें डेरिवेटिव किसका करना है, d/dx x बाय 2 का। ओके, तो और फिर माइनस साइन है तो ये माइनस, और ये कोस इनवर्स x बाय 2 एज इट इज रहेगा हमारा। ओके, और फिर हमें डेरिवेटिव यहाँ पर करना है अनरूट 2x+7 का, अनरूट x का डेरिवेटिव होता है हमारा 1/√x। ओके, और यहाँ पर हमारे पास x की जगह क्या है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 1/√2 अनरूट में जो भी है, अनरूट यहाँ पर अनरूट में है 2x+7। ओके,
फिर हमें डेरिवेटिव देखिए, अनरूट का डेरिवेटिव ये हो गया हमारा, अभी हमें अनरूट में जो है 2x प्लस 7 इसका डेरिवेटिव करना है, तो d अपॉन डी एक्स 2x प्लस 7। ओके, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो चुके हैं सारे, अभी हम इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर माइनस है और यहाँ से इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर क्या बच रहा है हमारा माइनस, ये आगे लिख रहा हूँ मैं, और अनरूट 2x प्लस 7। ओके, और इंटू यहाँ पर क्या है 1 अपॉन ही बच रहा है यहाँ पर, ये 2x, इसको x x बाय 2 का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर अलग लिखूँगा मैं, अनरूट 1 माइनस x का स्क्वायर अलग लिख रहा हूँ मैं, और 2 का स्क्वायर अलग लिख रहा हूँ। ओके, 2 का स्क्वायर को हम कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, इंटू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर d अपॉन डी एक्स है x बाय 2, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, माइनस कोस इनवर्स x बाय 2 इंटू यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 अपॉन 2 अनरूट 2x प्लस 7। ओके, और यहाँ पर डेरिवेटिव करना है हमें 2x प्लस 7 का, 2 एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 7 का डेरिवेटिव हमारा 0 हो जाएगा। ओके, और ये 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड में क्या है हमारे पास यहाँ पर 2x प्लस 7। ओके, देखिए यहाँ से ये 2 स्क्वायर, देखिए ये 2 की पावर 2 हम बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकालेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, ये तो एज इट इज रहेगा, सॉरी 2x प्लस 7। ओके, और डिवाइड में लिख रहा हूँ, अगर ये यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर 2 की पावर 2 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि अनरूट है, अनरूट से अगर 2 की पावर 2 बाहर निकालेंगे 1 बाय 2 की पावर 2, तो ये हमारा अनरूट कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसका, तो 1 अपॉन 2 बाहर निकलेगा यहाँ से, और यहाँ पर कितना बचेगा 2 की पावर 2 और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 अपॉन 2। ओके, और माइनस फिर यहाँ पर इनको इकट्ठा लिख देते हैं कोश इनवर्स एक्स बाय 2, और इसके मल्टीप्लाई में वो हम इसके डिवाइड में लिख देते हैं यहाँ पर 2x प्लस 7। ओके, और इसके डिवाइड में क्या है हमारा 2x प्लस 7। ओके, ये हमारा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो बचा क्या बचा है dy अपॉन dx इक्वल चल रहा है ये हमारा, तो dy अपॉन dx की हमारी क्या वैल्यू आ रही है, देखिए माइनस अनरूट 2x प्लस 7, और डिवाइड में इसके क्या है ये 2 की पावर 2 को मैं 4 लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर माइनस कोस इनवर्स x बाय 2, और इसके डिवाइड में क्या है हमारा अनरूट 2x प्लस 7। ओके, इसके डिवाइड में क्या है हमारा कंप्लीट के डिवाइड में 2x प्लस 7। ओके, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।